नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध। अगर हमारी वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं निबंध कैसे लिखते हैं। स्वच्छ भारत अभियान को महात्मा गांधी से प्रेरित मानकर इसमें गांधी जी के चश्मे को प्रतीक चिन्ह के रूप में उपयोग किया गया है। लोगों ने इसमें अपने घरों पर, आसपास के स्थानों पर, साफ सफाई पर इस अभियान में अपना योगदान दिया। अभियान के तहत पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिकाओं ने अपने स्तर पर पूरे गांव व शहरों में कचरे की गाड़ियां चलवाई ताकि लोग कचरे को इधर उधर नहीं फेंक सकें। इस कचरे को सरकारी संस्थाओं द्वारा भराव क्षेत्र में डाल दिया जाता था। साफ सफाई न होने पर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है, परंतु देश का दुर्भाग्य है कि साफ सफाई जैसी व्यवस्थाओं के लिए हमारे केंद्र व राज्य सरकारों को इतना बड़ा अभियान चलाना पड़ा, जबकि साफ सफाई तो हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। साफ सफाई का महत्व तो हमारी संस्कृति में पहले ही समझाया गया है। साफ सफाई मानव जीवन में बहुत जरूरी है। हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे देश में अपील की स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। भारत को यदि स्वच्छ बनाना है तो यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को उसमें अपना योगदान देना होगा। भारत का सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश के इंदौर को माना जाता है। इंदौर लगातार 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर रहा है। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।